हो गई तुम लोगों की बातचीत? आज रात किसी भी हाल में ऑर्डर कंप्लीट करना है। चल पूजा, आला भैया, हम चलते हैं। आजा। भैया जी, ये लीजिए आपके पैसे। आजा, अज्जू, देख किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सपना से भी नहीं? नहीं नहीं, उससे छुपा भी तो नहीं सकते, उसे तो बताना पड़ेगा। पूजा तू भी ना, चल सपना के भी हाल चाल देख लेते क्या है। चाची, सपना कहाँ है? वो अपने कमरे में है, सो रही है। इस वक्त? हाँ, तो और अकेले छोड़ छोड़ के जाओ उसे, यही होगा। और कहाँ चली गई थी तुम दोनों? अरे कुछ पूछ रहा है तुमसे? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? गड़बड़? कैसी गड़बड़ दादी? कुछ भी। अरे तो बकार क्यों नहीं फूट रहा तुम्हारे मुंह से? चलो इधर आओ। अरे सपना ने सुबह से परेशान करके रखा है, उसका बड़ा मन कर रहा है, उसे अपने साथ कारखाने ले जाओ। हाँ दादी, हम उसे आज ही ले जाएंगे। क्यों पूजा? पर माँ, ऐसी हालत में सपना का कारखाने जाने से? अरे बहू, बीमार आदमी घर के बाहर निकलता है, चार लोगों से मिलता है, दिल बहलता है, जाने दे। लेकिन माँ, अरे तू चिंता क्यों कर रही है? पूजा है ना उसकी देखभाल के लिए। नहीं दादी, हम सपना को बाद में ले जाएंगे। वैसे भी अज्जू को सुबह तक अपना ऑर्डर पूरा करना है, हम रात भर काम करने वाले हैं। ये भी ठीक है, हाँ चलो बाद में ले जाना। अरे अज्जू, ये अपनी शारदा बहन ठीक से काम कर रही है ना? अरे आज ऐसा करती हूँ, मैं भी चक्कर लगा लेती हूँ, बड़े दिन हो गए, ये राम कथा के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। चला। हाँ चलो। प्रोफेसर साहब, इस लड़की ने तो आपकी नाक कटवा दी है शहर में। चतुर्वेदी साहब, जो लोग आपके नाम से ईमानदारी की कसमें खाते हैं वो थूकेंगे आपके नाम पर। ऐसी बेटी से तो अच्छा है कि आदमी निसंतान रहे। कमला जरा और जोर से घुमा, ये पाजे सीमेंट वाली बात नहीं है, तीन तीन घंटे। शकुंतला, अरे आइए रमा जी, लाइए फाइल, लाइए।
मतले मेरा सत्या, मर गया एक कन्हैया तेरे लिए। क्या सोच रहा है कन्हैया? नहीं कुछ नहीं। तेरा ये कुछ नहीं ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। माफ क्यों नहीं कर देता सत्या को? हाँ, अरे इतनी भी क्या नाराजगी? झगड़ा तो मेरा भी हुआ था उसके साथ। कैलाश, अपने बेटे के घर छोड़कर जाने का दुख है मुझे, पर उसकी वजह वो सत्या है। मैं कैसे उसे माफ कर दूँ यार? देख कन्हैया, जब इंसान को ये लगने लगे ना कि सामने वाला सब कुछ गलत कर रहा है, तो एक बार उसकी जगह खुद को रखकर देखना चाहिए। वो शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे देख कान के नीचे, वो लड़कियां काम पे लगी हैं, शेर और शायरी हो रही है। अम्मा जी, ये कन्हैया। हाँ हाँ, हमने सब सुन लिया है। ये कन्हैया का गुस्सा तो दूध में उबाले की तरह है, यूं बैठ जाएगा। अरे पल में तोला, पल में माशा। अरे बजरंग कहाँ चला गया? वो कपड़े और रंग खरीदने के लिए गदोलिया गया हुआ है। अच्छा अच्छा, एक और बात सुन लो कैलाश, अगर वो क्या नाम है उसका, ये वो युवराज गोयल, अगर उस बदमाश ने अब हमारी अज्जू को परेशान किया ना, मैं सच बता रही हूँ, ये हनुमान अखाड़े से बड़े पहलवान के सारे चेलों को बुला के ऐसी धुनैया कराऊंगी, ऐसी धुनैया कराऊंगी कि याद रखेगा। अरे हंसो हंसो नहीं, चलो काम करें, इन लोगों को तो बस कोई फुर्सत ही नहीं है। कॉलेज से लौटने में तो उन्होंने कभी इतनी देर नहीं की, कहाँ रह गए? कोई फोन भी नहीं किया। हेलो, नमस्कार शुक्ला जी, सुषमा बोल रही हूँ जी। ये आपके घर पर तो नहीं है? नहीं, अभी तक लौटे नहीं वो। अच्छा अच्छा, आप रहने दीजिए, मुझे लगता है वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे होंगे। क्या आपने ठीक से देख लिया था ना, वो लाइब्रेरी में नहीं थे, फिर कहाँ गए होंगे? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, आते ही होंगे। आप चिंता मत करिए, मैं फ़ोन कर दूँगी आपको जी। चाचा जी, ये रंग थोड़ा और गाढ़ा करना पड़ेगा। ठीक बाबा, ये ऑर्डर ना हुआ कार से आओगे, आप लोग घर जाइए। क्यों भाई, हम क्यों जाएं यहाँ से? अरे तुम लोग इतनी मेहनत कर रही हो, हमें भी तो होना चाहिए यहाँ पर है? चाचा जी, हम तो यहाँ हैं ही, आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे। और वैसे हम है ना बजरंगी के साथ। अज्जू, अम्मा जी कह रही थी सपना को आना है यहाँ। काम के चक्कर में तुम्हें भूल ही गई, मैं उसे लेकर आती हूँ, वो सुबह से वेट कर रही है। हाँ पूजा, जल्दी जा वरना हमारी खैर नहीं, जा जा जल्दी जा।
पता नहीं कहाँ रह गए। जीने का कोई हक नहीं है सुषमा जी, छोड़ दीजिए आप। छोड़िए, छोड़िए। लानत है ऐसी जिंदगी पे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मेरी सपना की थोड़ी भी परवाह नहीं आपको? होने के बाद भी पूजा का दिल नहीं भरा है सुषमा जी। ऐसे कौन से अपराध किए हैं हमने? जानते हैं, आज हमने पूजा को कॉलेज के परिसर में आलाप के साथ देखा। चली गई थी तुम दोनों? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? सारे शिक्षक समाज हमारी मेरी सही सुन में चली गई। हम और नहीं जीना चाहते, मर जाना चाहते हैं हम। क्या बहू, अरे क्यों पीछे पड़ रही है? ले जा, ले देना सपना को। दादी
मैं सपना को लेके जाती हूँ अज्जू के पास। अरे जाएगी तो तू तब ना जब अपना हुलिया ठीक करेगी। ये देखो क्या निशान लगा के आई है। अरे कपड़े बदल फिर जाना जा। और सपना, अरे तुझे जाना है कि नहीं जाना है? हाँ दादी, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो जाना चाहते हैं तो बेटा अपने बाल बाल बनवा लेती, कुछ तैयार हो जाती और दर्द ठीक है ना तेरा? दीदी काम तो अब ज्यादा है नहीं, तो आप घर चले जाइए। हाँ तू अब आ रही है सपना? हाँ वो थोड़ी सी देर हो गई अज्जू। सब लोग चले गए? और क्या, पापा थक गए थे ना तो सबको घर भेज दिया। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, रंग का कुछ काम बचा है। नए कपड़ों को पीले रंग में टाई डाई करना है। मैं बस 2 मिनट में आई। वो क्या है ना, शारदा मौसी की तबीयत खराब है तो उन्हें दवा के पैसे देकर आती हूँ। तुम दोनों तब तक संभाल लेना। हाँ मैं अभी आई। पूजा क्या बात है, तुम दोनों परेशान क्यों हो? कुछ नहीं अज्जू, तू जा। मैं बस अभी आई। हाँ दीदी जरा ये दिखाइए। ठीक है दीदी। वो पीले रंग का क्या हुआ? वो अभी नहीं हुए। अरे वो तो सबसे पहले करने थे। चलिए जल्दी करिए। ये ठीक है, ये वाला दिखाइए।